किस तरह से घटना हुई और पत्रकार के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, दो लोगों का स्पॉट डेथ हुआ और एक का हॉस्पिटल जाने के बाद डेथ हुआ। चार लोग थे एक बाइक पे, एक बच्चा था, तीन लोग थे और बाकी, तो उसी में स्पॉट डेथ हुआ दो लोगों का और एक का हॉस्पिटल में हुआ। तो उसी में लोगों का आरोप था कि पता नहीं दो तीन बॉटल शराब का बता रहे हैं जो इनका आरोप है। अभी तो उसकी जाँच करनी है, चौकीदार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लेके चला गया, लेकिन वहाँ बाद में वो चेक करवाया वहाँ तो नहीं मिला। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल पे आरोप लगा रहे थे, उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं। उसी को लेके जो मॉब है थाना, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ ही है, इसको थाना को अटैक करके थाना की दो गाड़ी, तीन गाड़ी को जलाया और कुछ पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है। जो लोग इस ये उत्पाद को उत्पन्न किए हैं, जो भी यहाँ पे ये उदंडता किए हैं, उन सबका हम वीडियोग्राफी है हमारे पास, सबको पहचान करके नेम FIR कर रहे हैं। उन सबकी अरेस्टिंग होगी, सख्त कार्रवाई होगी। कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो मृतक हैं उनको मुआवजा दिया जा चुका है जिला प्रशासन की तरफ से, बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी हैं, फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड रहेगा और अभी स्थिति नियंत्रण। पत्रकार भी पत्रकार पर हाँ, अभी एक दो पत्रकारों का भी बताया गया था, तो उनको भी हमने बोला है कि आप लोग लिख के दीजिए, अगर किसी का मोबाइल कुछ छीना है ना, कोई आपको कोई चोट आई हो तो लिख के दीजिए, हम उस पर शिकायत दर्ज।